कांग्रेस द्वारा जीटी रोड बेल्ट पर अपना प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से जो विशेष अभियान शुरू किया गया है उसकी शुरुआत आज करनाल से हुई। करनाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। नीलोखेड़ी विधानसभा से कांग्रेस की टिकट के प्रबल दावेदार प्रोफेसर राजेश वैद्य हजारों नागरिकों के लाभ लश्कर के साथ करनाल रवाना हुए। खास बात यह रही कि नीलोखेड़ी विधानसभा के ये सभी मतदाता कांग्रेस समर्थक हैं। उल्लेखनीय है कि प्रोफेसर राजेश वैद्य पिछले 5 सालों से नीलोखेड़ी विधानसभा में कांग्रेस का झंडा बुलंद किए हुए हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ करनाल की पुरानी अनाज मंडी को रवाना होते हुए प्रोफेसर राजेश वैद्य ने दावा किया कि अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और इस बार 90 में से कम 80 कांग्रेस के विधायक हरियाणा के विधानसभा में बैठेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता का उत्साह आज की रैली में देखते ही बनता था और जनता भाजपा के कुशासन से मुक्ति के लिए आज कांग्रेस की और उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। प्रोफेसर वैद्य ने कहा कि आज की रैली की ऐतिहासिक भीड़ यह साबित करती है कि अब की बार कांग्रेस सरकार के आने में तनिक भी संदेह नहीं है। सांसद जी ने कल सोनीपत से उसका भी शुभारंभ किया। हमारे माननीय प्रभारी दीपक बाबरिया जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे माननीय अध्यक्ष उदय भान जी के नेतृत्व में कल सोनीपत से जो चुनावी घोषणा पत्र को लेकर एक चुनाव रथ भी चला है वो पूरे हरियाणा में घूमेगा और जनता से हम हिसाब उनके जो भी हमारा जो संकल्प पत्र है और जनता से हिसाब लेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी का बयान आया कि